मिल गई मेरी बेइज्जती करने के लिए, एक ईंट से ईंट बजा के रख दूंगा, लॉयर हूं मैं, एक से एक। जितना आपको इन पे अधिकार है ना, उनको भी आप पे उतना ही अधिकार है। लोग बोलते हैं कि कानून अंधा होता है, साला जब देख लिए कि सही में कानून अंधा होता है। मेरा बात सुनो ना यार, उस समय से बोल रहे हैं साला, कोई मेरा बात नहीं सुन रहा। वही 15 साल पहले जो थी, आज भी वही बनी पड़ी हुई है। अभी एक हाथ से रोटी नहीं बनता है सर, जब तक दूसरे का सपोर्ट ना हो। की सेवा कैसे करती हो? मुझे तुम्हारे बच्चे बता देंगे मैं उनकी केयर कैसे करती हूं। ये लो डाइवोर्स पेपर, साइन करो, मुझे फ्री करो, मेरी जान छोड़ो तुम लोग। सुन भी लिया करो, हमेशा बोलते ही रहते हो, कोर्ट नहीं है तुम्हारा, ये घर है। चाहिए मुझे यहाँ पर बुलाने की तुम्हारा जरूरत नहीं है। हाँ जी, सुस्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल प्रकाश बाद इंटरटेन। दोस्तों, मैं प्रकाश से, मेरे भैया ये सानिया जी है, जो कि इस पार्क में अक्सर हम लोग आते हैं। तो 2-4 दिन पहले से ही हमको ये नोटिस कर रही थी, तो कल इन्होंने मेरा नंबर ले गई, तो रात में हमसे बात हुआ, इन्होंने सारा बात हमको बताई। सोच में पड़ गया कि आजकल ऐसा भी हो सकता है। इन्होंने लव मैरिज किया था, ये मुस्लिम कास्ट से बिलोंग करती है, तो बहुत सारा परेशानी है। 15 साल पहले इन्होंने शादी की है, 12 साल की एक बेटी भी है, और भी इनके साथ पति इनको टाइम ही नहीं दे रहे हैं। सानिया जी, हम चाहेंगे क्या रीज़न से वो टाइम नहीं दे रहे हैं, क्या हुआ आप लोगों के बीच में? हमको तो सारा चीज़ आपने बताया है मैसेज के माध्यम से, कुछ कॉल पे भी हम लोग बात किए, लेकिन चाहेंगे आप ऑन कैमरा वो सारी चीज़ आप यहाँ पर एक बार रिवील करो, ज़्यादा बेस्ट रहेगा आपके लिए। सर, मेरा नाम सानिया है और मैं मुस्लिम समाज से हूँ, और मैंने हिंदू लड़के से शादी की थी 15 साल पहले, और 12 साल की मेरी बेटी भी है। हमारी जो लाइफ है, गृहस्थी है, वो उस तरह से नहीं चल रही है जैसे कि नॉर्मल होती है। रोज़ रोज़ के कलेश होते हैं, बच्चे देखते हैं, सब चीज़ें अच्छी नहीं हैं। मैं बता नहीं सकती हूँ कि घर में कितनी अशांति है बिना वजह। मैंने क्या रीज़न कुछ होगा ना, क्या आपने गलती होना चाहे उनमें गलती होगा? रीज़न तो मुझे नहीं पता, बार डिवोर्स के तान वो कुछ बोलती हूँ तो डिवोर्स ले लो, पर डायरेक्ट तलाक ही बोलते हैं। हाँ, तलाक, कोई उसका रीज़न नहीं बता नहीं। कुछ ना कुछ तो दिक्कत होगा आप लोग के बीच में, तब भी जाके वो बोलते हैं। हाँ, कुछ भी क्या, तलाक देना लेना बहुत बड़ी बात होता है, रिश्ता एक बार बनता है। वैसे में भी वो पैसे से वकील हैं, जैसे आपने बताया था मैसेज करने वाले इंसान है, तो भला एक बैग ऐसे गलती कर सकते, कैसे कर सकते हैं? तो कुछ ना कुछ तो मुझे नहीं मालूम, बस वो कहते हैं। आपने हमको मैसेज बताया था कि आपके पति वकील हैं, अगर प्रॉब्लम है तो चली जाओ छोड़ के, जब मर्जी जा सकती हो, तलाक ले लो, कुछ कोई भी बात करते हैं तो बात भी करने को राजी नहीं है। अगर कोई प्रॉब्लम है, गृहस्थी में बैठ के बात की जा सकती है, गृहस्थी बचाई जा सकती है, लेकिन ये क्या बात होती है? आप सीधा बात करो, छोड़ के जा सकती हो, प्रॉब्लम है तो जा सकती हो, ये कोई रीज़न नहीं होता है। अगर आपको बात करनी है तो ठीक है, नहीं तो फिर बात को रफा दफा ही करें। एक बार काम की, आज उनको कॉल करके बुलाइए, ठीक है, आप कहिए कि हमें तलाक चाहिए, तो इसी बात पर वो आ सकते हैं पार्क, डायरेक्ट पार्क का लोकेशन भेजिए, यहीं पर बुलाइए, हम तलाक लेना है, हम आज ही चले जाएंगे। प्राइवेट ऑफिस, प्राइवेट ऑफिस, प्राइवेट प्रैक्टिस करते। कॉल कीजिए, स्पीकर पर लीजिए, कहिएगा तलाक लेना है, तो उसी बात पर वो आ सकते हैं। हाँ जी, वो आपको एक लोकेशन भेज रही हूँ जहाँ पार्क में मैं आती हूँ, आप आ सकते हैं पार्क में इस वक्त? हाँ, कुछ बात करनी थी। आप रोज़ रोज़ जो बातें बोलते हैं घर पे हो नहीं पाती हैं, कुछ भी जो नहीं हो पाती, तो ये पार्क में क्या, इस वक्त क्या बुलाने का मतलब बनता है, समझ नहीं आता। घर में बच्चे भी होते हैं ना, तो हर चीज़ बच्चों के सामने होना जरूरी नहीं है। बच्चों में वो तो ठीक है, बच्चे होते हैं ठीक है, मगर इस समय पार्क में इस वक्त मैं सारे काम छोड़ के तुम्हारे पास आऊँ? देखिए, मेरे पास बहुत सारी चीज़ें हैं, मैंने भी बहुत साल गुजार दिए हैं, इस तरीके से मैं और नहीं झेल सकती। आप छोटी छोटी बातों पे तो ताना दे देते हैं, तलाक दे दो, छोड़ दो, तुम ही झेल लियो क्या मेरे को, मैं भी तो झेल रहा हूँ तुमको। जो भी रीज़न है आप क्लियर कर लीजिए ना एक ही बार में, मैं भी क्यों क्लियर करने का, ये क्या तरीका होता है? दिन में किसी भी टाइम पर तुम मुझे फोन कर दो कि मैं कई सारे काम छोड़ के तुम्हारे पास आ जाऊंगा। मैं आपको कभी फोन नहीं करती हूँ, मैं भी तंग आ चुकी हूँ इन सब चीज़ों से, इसीलिए आपको फोन किया है। तुम भी तंग आ चुके, मैं भी तंग आ चुका हूं। हां, तो ठीक है, फोन करूंगी तो सारे काम छोड़ के मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगा। उनसे बोलिए डाइवोर्स के बारे में, तभी वो आएंगे, ठीक है? हां, तो
ठीक है ना, मैं भी तंग आ चुकी हूँ, तुम भी तंग आ चुके हो, डिवोर्स ले लेते हैं, जैसे कि आप ही कहते हो, जैसे कि आप ही कहते हो, जैसे आप कहते हो वैसे ही तो हो रहा है ना। आके बात कर लीजिए, बात ही खत्म। बच्चों के सामने क्यों तमाशा दिखाना है? नहीं, बच्चों को यहाँ पे इसलिए कि बच्चे तमाशा ना देखे। बच्चे तमाशा पता, उनको सब पता है, जो तुम कर रही हो ना हमारे साथ पूरे परिवार के साथ, उनको सब पता है। तो हो सकता है वो सब भी पता हो जो आप कर रहे हैं, तो बेहतर यही है ना कि आप आ जाएं। और नहीं आ तो सकता हूँ, मगर ये इस समय मेरे पास इतना फालतू टाइम नहीं है कि जब तुम मुझे दिन में, मेरे पास भी जिंदगी के बहुत सारे साल मैंने गुजार दिए, मैं भी नहीं झेल सकती। नहीं नहीं, जैसे आप कह रहे हो आप झेल रहे हो, मैं भी झेल रही हूँ, और उससे बेहतर है ना हम दोनों सेपरेट ही हो जाते हैं, तुम भी खुश और मैं भी खुश। हाँ बस ठीक है, हाँ ठीक है, आप आ जाइए, ठीक है जी, आप आ जाइए पेपर्स लेके, ठीक है, ओके। तो देखिए माइक अब छुपा के रखिए, ठीक है, आते हैं तब, ठीक है। बाकी हम लोग कैमरे के पीछे जा रहे हैं, डरना नहीं है आपको, उनसे बात करना है, क्योंकि आपके पास ही प्रूफ हो जाएगा, कहीं पुलिस वुलिस में दिखा। चल रहा है आपके विरुद्ध, पहले ये चीज़ जानने की कोशिश करें, अगर जान जाइएगा ना तो ज़्यादा बेटर रहेगा, कि आखिर वो क्यों देना चाहते हैं आपसे तलाक। कुछ ना कुछ तो रीज़न होगा, तभी वो देना चाहते हैं। कोई भी रीज़न हो, लेकिन मैं बहुत तंग आ चुकी हूँ उससे। कोई बात नहीं, उसी का सलूशन निकालने के लिए हम, जैसे आप उनसे तंग, वो भी तो आपसे तंग आ गए, बात ही खत्म करें। अंदर जो भी होगा ना वो यहाँ बोलेंगे आराम से, क्योंकि यहाँ बच्चे नहीं है, पड़ोसी कोई नहीं है कि किसी का सुनने का जानने का डर रहेगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, कोशिश करो। और देखो कैमरा में जो भी रिकॉर्ड होगा ना आपके लिए भी सबूत हो जाएगा, कहीं भी जाओगे दिखाने के लिए, किसी को कहने के लिए, ये एक आपके पास पर्सनल प्रूफ हो जाएगा कि हाँ उन्होंने गलत किया है हमारे साथ। ठीक है, तो जो उनके मन में चल रहा है कोशिश करो कि वो उसको निकाल, अंदर से बाहर निकाले। ए फ्यू मोमेंट्स लेटर, हाँ क्यों बुलाया मुझे यहाँ पर? ये कोई जगह है किसी को बुलाने की? सारे काम छोड़ के मैं तुम्हारे इसी काम में लगा रहा हूँ, और कुछ काम नहीं है क्या मेरे पास? बैठ जाओ प्लीज, दिन में 24 घंटे तुम्हारे पूरे नहीं होते क्या? बैठ जाइए, 4 बजे पार्क में करके आ रही हूँ यहाँ पर, बैठ जाओ, बात करनी है कुछ आपसे। क्या बैठना? प्लीज क्या बैठना? प्लीज बैठ जाओ। क्यों बैठना? डिवोर्स लेके खत्म करो, मुझे भी फ्री करो, मुझे भी छुटकारा दो, और भी काम है मेरे पास। तुम्हारे लिए डिवोर्स वर्ड कितना आसान नहीं है बोलना। डिवोर्स ये तो एक छुटकारा है, तुम्हें भी चाहिए मुझे भी चाहिए। मैंने मुस्लिम समाज को छोड़ा है, और डिवोर्स का मतलब मुझे मालूम है क्या होता है, ठीक है? तुम्हारे लिए मैंने अपने पूरे धर्म को, समाज को, सबको छोड़ दिया, लेकिन आपको इतनी सी बात मैंने भी तुम्हारे लिए अपने पूरे परिवार को छोड़ दिया, तो डिवोर्स कहाँ से आ गया? वो भी तुम एक्सेप्ट नहीं करते, उसके बावजूद भी मैं तुम्हारे साथ रहा अब तक, मैंने पूरी कोशिश करी है, तो डिवोर्स कहाँ से आ गया बीच में? डिवोर्स ये एक सहारा है तुमसे मेरी जान छुड़ाने का, तुम भी फ्री हो। क्यों भाई, क्यों करो मेरे लिए? वो मेरा धर्म तो मेरे को अपना नहीं लेंगे, मेरे घर परिवार वाले तो मेरे को अपना नहीं लेंगे, आपके लिए मैंने सबको छोड़ दिया, तो कौन करेगा? कौन करेगा जब मैं आपके लिए सब कुछ छोड़ सकती हूँ? तो थोड़ा टाइम तो आपको भी घर में परिवार में देना चाहिए ना। घर में परिवार में और किसके लिए कर रहा हूँ मैं, किसके लिए मर रहा हूँ मैं? तो ये आप तुम्हें से लेकर शाम तक तुम लोगों के लिए करता था, उसके बाद भी तुम्हें चैन नहीं है? आप बातें मत छुपाइए, ठीक है? छुपाने वाली क्या बात है? हमारे लिए पड़ा वो छुपाने के लिए, सिर्फ हमारे लिए नहीं है वो। आप अगर सिर्फ हमारे लिए ही होते ना, दूर रह के भी पास हम लोग नहीं, लोगों के लिए इतनी मेहनत करके यहाँ तक पहुँचा, उसके बाद भी तुम्हें चैन नहीं है? आप देखो तब कलेश कलेश करती रहती हो तुम, आप तरीका होता है ये? आप दूर रह के भी पास हो सकते हो हमारे लिए, सिर्फ अगर फैमिली के लिए हो तो। आप पूरी कोशिश करता हूं, मगर तुम आप फैमिली के लिए नहीं हो, मैं तुम्हें लायक नहीं हो, तुम्हारी वजह से हमारी औलाद भी बिगड़ी चली जा रही है। जब मैं लायक ही नहीं थी तो क्यों करी फिर मुझसे शादी? नहीं करनी थी ना, उस समय पूरी उम्मीद थी मेरे को, शायद तुम तो डर जाओगी, मगर तुम्हारी हरकतें ऐसी है ना, आपने कोई नहीं सकता तुम्हारे साथ। डाइवोर्स को मुझे फ्री करो, आप डाइवोर्स को नहीं, नहीं नहीं सुधार गृह खुला हुआ था आपने, कोई क्या मतलब है सुधर जाओ? मेरे लिए मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई जो मैंने कोशिश की तुम्हारे साथ, 15 साल बाद तुम्हें गलती का एहसास हुआ, तुम्हारे क्या बिगड़ा? करते करते तुम्हारा क्या बिगड़ा? 15 साल मेरे बर्बाद हुए, सब कुछ मेरा खोया, घर परिवार रिश्ते सब पेपर पे साइन करो, तुम भी फ्री हो मुझे फ्री करो, समझी नहीं समझी? और ये रोज की नोटिंग मेरे को नहीं चाहिए, मुझे यहाँ पर बुलाने की तुम्हारी जरूरत नहीं है, घर है नहीं सब बातें करने के लिए, जो मेरे को कहना था मैंने कह चुका है, बात को खत्म करो और मुझे भी फ्री करो, मेरे को और भी काम है, मैं थक गया हूँ तुम्हारी झिकझिकबाजी से, ये रोने की तुम्हारी नौटंकी मत करो मेरे सामने। तुम्हारे लिए नौटंकी हो सकती है सब, मैं थक चुका हूँ तुम्हें देखते देखते। नहीं नहीं, तुम्हारे लिए नौटंकी हो सकती है, किसी भी गृहस्थी को जोड़ के चलाना, मैंने पूरी कोशिश की और अपनी पूरी कोशिश से ही परिवार चला रही हूँ। इस तरह की कोशिश है ये, इसे तुम कोशिश कहती हो? बेटी का परफॉर्मेंस बता देता है स्कूल में, परफॉर्मेंस क्या बता देता है? बेटी का परफॉर्मेंस क्या है? 15 सालों की मेरी परफॉर्मेंस की वजह से ही बेटी का रिजल्ट अच्छा आता है, मेरी परफॉर्मेंस। ये सुन भी लिया करो, हमेशा बोलते ही रहते हो, कोर्ट नहीं है तुम्हारा, ये घर है, ठीक है ना? घर है तुम्हारा,
कहाँ से शुरू किया था तुम्हारे ऐशो आराम की सारी चीजें तुम्हें ला करके दी? ऐशो आराम हालात में थे हम लोग, ऐशो आराम पैसे से नहीं होता है, फैमिली से होता है, पति से होता है, बच्चों से होता है। थक गया हूं मैं तुम्हारी रोज की बकवास सुनते पड़े। ये लो डाइवोर्स पेपर साइन करो, मुझे फ्री करो, मेरी जान छोड़ो तुम लोग। ये क्या तरीका है, क्या तरीका है ये तरीका है तुम्हारी बदतमीजियों का? यही जवाब है मेरे पास। बदतमीजी है मेरी? यस। तुम्हारी बदतमीजी बहुत झेली है मैंने। क्या तरीका तुमने? ये तुम्हारी बदतमीजी का ही परिणाम है। ठीक है, ये तमीज होती तो 15 साल तुम बाद मुझे तुम ये ना दिखा रहे होते। 15 साल मैंने मौका दिया तुम्हें, तुमने कोई मौका नहीं दिया। तुमने मौके लिए हैं मुझसे, क्योंकि मैंने पूरी फैमिली संभाली है। तुमने बाहर जो करा है वो तुम्हें मालूम है। संभाली है तुमने? बिल्कुल ना। तुम्हें ना तुम्हें कपड़े पहनने की तमीज, ना तुम्हें बात करने का ढंग, ना खाना बनाने का ढंग। बच्चे की हालत देख लो, तुम्हें पता नहीं होती, तुम अपनी दुनिया में जीती रहती हो। तुम्हारा पूरा घर परिवार बता देगा मैं खाना कैसे बनाती हूँ, उनकी सेवा कैसे करती हूं। मुझे तुम्हारे बच्चे बता देंगे मैं उनकी केयर कैसे करती हूं। मुझे कहानी मत सुनाओ तुम लोग, मैं थक गया हूं। तो मुझे पेपर, ये पेपर मैं लाया, मैं दोबारा ही पेपर लेके आऊंगा। साइन करो, जान छोड़ो, तुम भी फ्री हो, मुझे फ्री हो, मुझे जीना तुम्हारी जिंदगी। ऐसे नहीं होगा, डिवोर्स समेत मैं नहीं करूंगी। ये सब तुम्हें बहुत पहले सोच लेना चाहिए था। नहीं, मैं तुम्हें पहले भी बोला था डिवोर्स करने के लिए मैंने शादी नहीं करी थी। डिवोर्स करने के लिए मैंने अपना धर्म नहीं छोड़ा था। टाइम नहीं देते, टाइम कहां से लाएं? तुम लोगों के लिए इतना बिजी हो ना, मैं सुबह निकलता हूँ, रात को घर आता हूँ, फिर भी हालत ना। तो टाइम किसके लिए है आपके पास? अगर फैमिली के लिए टाइम नहीं है तो किसके लिए टाइम है? फैमिली के लिए ही कर रहा हूँ मैं रोज की तुम्हारी। क्या कर रहे हो? टाइम नहीं देते, ये कोई बात है कि टाइम नहीं देते? रोज की तुम्हारी वही कहानी है, वही कहानी। अरे दुनिया कहाँ की कहाँ निकल चुकी है, तुम वहीं पर टाइम नहीं देते। अरे तुम दिल्ली में, दिल्ली जैसे शहर में आकर के रह रही हो और तब भी तुम्हें वही गंवार की गंवार रहेगी। पूरी कोशिश करता हूँ तुम्हें सुधारने की, कि तुम आज नहीं तो कल सुधर जाओगी, मगर मैं थक चुका हूँ, मुझे बस मेरे को छुटकारा चाहिए तुम्हारे से। वो आपको 15 साल पहले सोचना चाहिए। 15 साल पहले कैसे सोच लेता? मुझे उम्मीद थी कि शायद तुम सुधर जाओगी। अगर मैं बिगड़ी हुई थी तो शादी नहीं करनी थी ना? हालात नहीं है तो अगर मैं बिगड़ी हुई थी तो शादी नहीं करनी थी, क्यों करी? गलती हुई मेरे से, उसी का पछतावा है। ये पछतावा गलती हुई मेरे से, उसी का सुधार करना है मेरे को। तुम कभी सोचते भी हो बोलने से पहले? बोल क्या रहे हो? बहुत सोच लिया मैंने, मेरे को और मैं जितना सोच रहा हूँ ना उतना तुम सोच भी नहीं सकती। और उसका यही है कि अब डिवोर्स देकर के फ्री करो मेरे को, और भी डिवोर्स आगे देखना, और मैं और तुम्हें झेल नहीं सकता हूँ अब, समझी? नहीं, बहुत टाइम हो गया मुझे, बहुत कुछ होता तब मुझे सुकून मिलता है। कहाँ सुकून मिलता है? ऐसा कौन है जो आपको घर से बाहर सुकून दे देता है? सेक्रेटरी हम तो घर, समझ में आ रहा है तुम्हें? थक गया हूँ तुम्हारी शक्ल देख। सेक्रेटरी है, फैमिली नहीं है। सेक्रेटरी है, फैमिली नहीं है। अच्छी जिंदगी जी के दिखाऊंगा मैं। फैमिली है, फैमिली है ना, फैमिली। बहुत तमीज है उसके अंदर, कपड़े पहनने की तमीज है, किसी और के साथ खाना बनाने की तमीज है, हर चीज डिसिप्लिन है। तुमने तो वो एक चीज भी नहीं है उसके अंदर। किसी और के साथ तमीज दिखाई जा सकती है, फैमिली में होता है, इंसान नेचुरल होता है, ठीक है ना? मैंने बहुत कोशिश कर ली, अब मुझे फ्री करो, मैं भी कुछ और अपनी जिंदगी आगे मैं प्लान करूं। मैं थक गया हूं तुम्हें देखते देखते, और मेरी तुमसे लाख गुना मेरी बाहर जिंदगी से सुकून भी है। जैसे मैं घर में घुसता हूं तुम दिखते हो, मेरी जिंदगी आफत में आ जाती है। मैं रोज यही सोचता हूँ कि इसमें छुटकारा पाऊँ, 10 बार सोचता हूँ अभी तक घर जाने से पहले, जाऊँ कि ना जाऊँ, जाऊँ कि ना जाऊँ। अब ये झूठे आंसू दिखा के ना मेरे को इमोशनल ब्लैकमेल मत करो। डिवोर्स पेपर साइन करो, छुटकारा दो, तुम भी फ्री हो, मुझे भी फ्री हो, रहने दो। डिवोर्स नहीं दे सकती मैं आपको। डिवोर्स तुम्हें देना ही पड़ेगा। नहीं दूंगी डिवोर्स, तो मैं लेके रहूंगा। नहीं दूंगी डिवोर्स, तुम्हें देना ही पड़ेगा, डिवोर्स मैं लेके रहूंगा। ले लो, तुम्हें जितना ही पैसा चाहिए मुझे फ्री करो। पैसा नहीं चाहिए ना, रिश्ता चाहिए। जिस रिश्ते के लिए मैंने सब कुछ छोड़ा, मुझे वो रिश्ता ही कायम रखना है। मुझे वो रिश्ता तोड़ना या छोड़ना नहीं है। तुम्हारा कुछ और है, मेरा कुछ और नहीं है। आपको खिलवाड़ समझ एक मिनट सर, मैं आप हम पूछ रहे हैं उसका जवाब दीजिए। नहीं वो सब तो ठीक है, मगर आप लोग ये हमारी पर्सनल बात है। हाँ पर्सनल बातें चल रही है, हम सुन रहे हैं आपके पर्सनल बातें। आपको आप तो वकील हो, हाँ जजमेंट करते होंगे खुद से अपने कोर्ट में, चाहे वो छोटा कोर्ट हो या बड़ा कोर्ट हो। आपको तो सबसे ज़्यादा नॉलेज होना चाहिए। नहीं नॉलेज है तभी मैं बात करूँ ना, वैसे हमारे छुट्टी के चक्कर में अपने 15 साल की वाइफ को छोड़ने का बात कर रहे हैं कि हम तलाक देंगे, ये है वो है जिस वो, आपने उस समय नहीं सोचा भाई? आप नहीं जानते हमारे घर के हालात। जानते हैं कुछ तो, जानते हैं थोड़ा बहुत, अब आप नहीं जानते हैं। आपने बस थोड़ी सी हमारी बात सुनी और यहाँ पर सजेशन देने कर आगे, तब बताओगे आप क्या है? आप भी बता दो क्या है हालात, बताओगे क्या है? मैं 15 साल से इस औरत को झेल रहा हूँ। मैंने ये नहीं झेल रही आपको, खाली चिल्लाने से होता है क्या? आप क्या करे हो इनके साथ? इन सब को भी पूछे हो? 12 साल की बेटी है ना, कितना टाइम देते हो घर पे आप? कौन सा काम करते हो? अंबानी तो हो नहीं आपकी, इतना बिजी रहते हो। जो भी कुछ करता इन्हीं लोगों के लिए तो करता हूँ। इनके लिए करते हो? दिन रात हमने लगा दिया। इतना करते थे, इतना रोती नहीं।
ये औरत 4-5 दिन से परेशान है, बर्थडे पार्क में आती है। पार्क में सोल्यूशन मिल जाएगा इनको? पार्क में सोल्यूशन नहीं मिला ना, हम लोग मिले, हम लोग तो हम लोग से सब चीज बताइए। मैंने अपनी तरफ पूरी कोशिश करी। क्या किए हो तुम बताओ ना, इन लोगों के लिए क्या किए हो? आदमी करता है वो सारी कोशिशें मैंने की, सुबह से लेकर रात तक मैं इन लोगों के लिए काम करता हूँ। पैसा हम जब मैं अपना घर छोड़ा था इसकी, इस औरत की वजह से मैंने अपना घर छोड़ा। मैंने ऑफिस में किसी के साथ चक्कर नहीं चल रहा है, क्या करेगा आदमी? मैंने यही करेगा, क्या करेगा आदमी? मैंने जो हरकतें ऐसी है, आदमी कोई ना तो रास्ता ढूंढेगा ना। मैंने इस उम्र में अब आप प्यार करोगे? देखो तो आप पहले भगा के शादी की हो, अपने घर से भाग गया, ये भी अपने घर से। इनकी भी मर्जी थी, मैंने किसी को जबरदस्ती नहीं भगाया। तब जब भगा के लाए हो तो इनका सपोर्ट करो ना आप, इनको धोखा काहे दे रहे हो आप? किसके लिए मतलब आपसे आपके साथ भाग कर आई आई तो मैं किसके भरोसे ऐसे आई है बताओ? खड़े जाओ पहले। आप हमसे उम्र में भी ज्यादा हो, आप हमसे कानून के बारे में भी ज्यादा जानते हो, तो आप इतना गलत कदम कैसे उठा रहे हो? शर्म नाम का चीज नहीं है आपके पास? समझो सर, इनको भी समझाइए ना आप, ये कोई सारी चीजें मेरी समझने वाली चीजें नहीं। मैम आप ही समझो, रोने सर चीज नहीं होता है, समय के हिसाब आप ही गलत होगा कहीं ना कहीं। मान लो हर एक बात भैया सुनो, हर बार हर चीज पे अपने पति पर शक नहीं किया जाता है? मैंने कोई शक नहीं किया। तो क्या किए हो, बोल कह रहे हो आप? बोलो किसी लड़की से प्यार करते हैं? कहाँ पहुँच गई मगर वही 15 वो कह रहे हैं, खुद ही कह रहे हैं कि वो सेक्रेटरी साथ है। आप किसी लड़की से प्यार करते हैं ऑफिस में? अभी उन्होंने खुद ही बोला कि वो सेक्रेटरी है जो बहुत ज्यादा इनको अच्छे से रखती है। जरूरी थोड़ा कि उसे प्यार होगा इनको, उन्होंने बोला प्यार है। बोलना पड़ा ना मुझे, तुम्हारी बात समझ में नहीं आती ना। हर मुमकिन कोशिश की है मैंने शादी को बचाने की, तुम सुधरने की नाम नहीं ले रही। तुम इतना टाइम हो गया, तुम्हें वही 15 साल पहली वाली औरत दिखती है मेरे अंदर, और आज मैं ठीक है अपना रास्ता कुछ चुनना चाहता हूँ, समाज के साथ चलना चाहता हूँ, तुम्हें कोई बदलाव की बात ही नहीं होती है। और किसी के साथ काम कर रहा हूँ और मैं किसी से बात कर रहा हूं। मैंने कभी कोई इल्जाम लगाया? काम करिए ना। मैंने किसी भी रिलेशन को लेके कोई इल्जाम नहीं लगाया ना। आप बदल लीजिए उनके हिसाब से। मैंने तो किसी रिलेशन को लेके कोई इल्जाम नहीं लगाया। किसी को तो कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा सर, नहीं करोगे तभी परिवार चलेगा। परिवार चलाने के लिए कॉम्प्रोमाइज बहुत बड़ा जरूरी होता है। कॉम्प्रोमाइज कीजिएगा तो परिवार आगे बढ़ेगा, नहीं तो जहाँ है ना वहीं पर रुका रहेगा। ऐसे जैसे आप कर रहे हो ऐसे करने से ना, इतना बड़े हो गए हो सर, दिमाग नाम का चीज नहीं आपके पास। क्या नुकसान? बेटी बेटी को कितना टाइम देते हो? हर माँ को अपने बाप से क्या, चाहे बेटी को अपने बाप से क्या मन क्या चाहती है? ये पापा थोड़ा स्कूल चले जाए, ये वो कर दे, हेन तेन, कभी टाइम देते हो उसको? रोती है। एक तो आप ऑफिस से आते हो तो उसको 2-4 थप्पड़ लगा देते हो। कितना उम्र होगा आप लोग? 30-35 तो होगा ही आराम जी। 35 चल रही है। 35 साल की उम्र में बताइए, 10-12 साल की आपकी लड़की हो इस उम्र में, अब आप लोग तलाक दीजिएगा। फिर दूसरे कोई फिल्मों की डायलॉग चल रहा है यहाँ पे कि हाँ जी डायरेक्ट तलाक ही चाहिए आपको, तलाक दे दो अब फिर दूसरा शादी करेंगे। कभी भी पेपर्स लेकर आए थे आप तो डिवोर्स के पेपर्स? आप यहाँ पर इतना लेक्चर दे रहे हो यार, आपको पता भी है कहानी क्या चल रही है? आपको पता भी है इनकी हरकतें? हमको बताइए तभी हम बोल रहे हैं आपसे। हम बताएं, हम क्या बताएं? 15 साल पहले आप लोगों का शादी हुआ था, 12 साल की एक बेटी है, आप दोनों आदमी लव मैरिज की, एक मुस्लिम का यही ना है, दूसरा क्या है? इनके लिए जितनी मैंने कुर्बानी करी है ना, हमें क्या जानकारी है उससे मतलब नहीं है आपको, ठीक है ना? मैंने पूरी कोशिश कर ली अपनी फैमिली के बारे में, आप ही जानो तो ज्यादा बेटर है। मैंने आपका कहने का मतलब क्या बोला, इनके साथ आपको नहीं रहना है? मेरे को तो इनका क्या होगा, आप तो ठंडे दिमाग चाहता हूँ, और आप प्लीज आप मेरे घर के महल में इंटरफेयर मत करो, मुझे पता मैं कैसे झेल रहा हूँ, और मुझे इनको डाइवोर्स लेकर मुझे अलग होना है बस। इसका सोल्यूशन यही है, सोल्यूशन इसका यही है, मैं इनके साथ नहीं रह सकता, नहीं रह सकता, नहीं रह सकता। आप कोर्ट कचहरी में रहते हैं, आप दूसरे का सोल्यूशन निकालते हैं। कोर्ट कचहरी में रहता हूँ तभी मैं सोल्यूशन दे रहा हूँ इनको, यही लीगल मैं जानता हूँ इसलिए। कभी इनके बारे में सोचे हो, जब इनको आप डिवोर्स दे दो तो इनका क्या होगा, इनको कौन देखेगा? ये तो इनको देखना पड़ेगा ना, इनको जब इनके पास सोचने का टाइम तो तभी ना सोचा नहीं। मैंने आपके साथ गरीबी में दिया जब आप कुछ नहीं, और आज आप, और जब मैं कुछ नहीं था वो भी तुम्हारी वजह से ही था, मेरे पेरेंट्स की अच्छी प्रॉपर्टी छोड़ के तुम्हारे साथ में आया था मैं एक उम्मीद लेकर के। कोई जबरदस्ती नहीं थी आपके साथ, और आज ये कहना बहुत आसान है जबरदस्ती नहीं थी। मैंने भी ये तो अलग बात होगी जबरदस्ती नहीं थी, तुमने जो गलती करी तुमने करी है। मैंने भी अपना बहुत घर पर, यही कहना चाह रही हूं ना, तो मेरी गलती थी तो मैं ही भुगतूं। बेहतर घर परिवार बेहतर रिश्ता सब मैंने ही छोड़ा। ऐसा ना सर, आपने ऐसा कॉम्प्रोमाइज तो दोनों तरफ से रहे हो। सक्सेस के पीछे किसी ना किसी औरत का, ठीक है? एक और बात जान लीजिए सर, कभी कुछ ना कुछ योगदान होगा आपके साथ, आप थोड़ी ना कि आप जो बदौलत ही सब अकेले कर पाए। आप जो उस समय से बोल रहे हैं ना इनका गलती, कभी एक हाथ से रोटी नहीं बनता है सर जब तक दूसरे का सपोर्ट ना हो। मैंने बहुत सपोर्ट किया इनको उनकी जिंदगी में आगे लेके, अगर इन्होंने गलती की आज इनके पास क्या नहीं है, आज इनके पास सब अगर उस समय आपका सपोर्ट, सुनिए ना सर, खाली चिल्ला रहे हो आप,
आप जो बोल रहे सब इनका कहीं ना कहीं आपका सपोर्ट था तभी ना सब कुछ कर पाए हो आप। अगर ये सपोर्ट नहीं करती, शुरू से आपके खिलाफ रहते तो कुछ कर पाते आप? इतना आगे बढ़े हो, इस पोज पर पहुंचे हो, इतने बड़े पोस्ट पे आप आ गए हो, कभी जाते? दिन रात की मेहनत है मेरी, मेहनत और पत्नी का प्यार भी होता है। पूरी कोशिश करी, सारी सुख सुविधाएं इनको ला करके दूं मैं, दिन रात मरा हूं मैं, उसके बाद भी कोई। तो इन्होंने क्या किया आपके साथ, क्या क्या हो गया है आपके अंदर ऐसा? मैं थक गया हूं इनको झेलते झेलते, 15 साल हो गए। दिक्कत क्या है कि थक गए, क्यों थक गए? 15 साल हो गए ना इनको किसी चीज का होश, ना इनको कपड़े पहनने की तमीज, ना इनको बात करने का ढंग, खाना बनाने का ढंग, अपनी मर्जी से कभी। ये तो फैमिली प्रॉब्लम है, सही तो छोटी मोटी था, इधर जाके तो मैं क्यों अपनी जिंदगी इनके साथ खराब करूं? एक बात बताओ सर, ये तो बात छोटी मोटी हर परिवार में चलता है, जहाँ चार बर्तन होता है ना सर, सर तो वहाँ लड़ना झगड़ना चलता है सर, मगर एक उम्मीद होती है। लेकिन एक आप जो अभी करने जा रहे हो, आप अभी इस उम्र में जाके किसी इसको खत्म कर सकते हो, इसको ज्यादा आप इस इन्होंने कुछ गलती नहीं किया सर, बाहर ले जाओगे आप खुद जानते हैं कोर्ट कचहरी में कितना धज्जियां उड़ाया जाता है किसी के। इसीलिए मैंने इनको एक आसान रास्ता बताया, पेपर साइन करो, मेरी जान छोड़ो। आप मैंने एक बात मैंने सुनो, आप क्या सुनिए ना मेरा बात, मेरा बात सुनिए, धज्जियां उड़ेगी कि नहीं आपकी इज्जत की? तब तो वहाँ आपको अच्छा लगे ना इलाज पे खड़ा होकर, जब गवाह खड़ा होगा वहाँ पे तो कि क्यों डाइवोर्स दिया जा रहा है, तब तो अच्छा लगेगा ना आपको, तो समाज में क्या दिखेगा मुंह? आप लोग नहीं जानते, आप लोग बाहर से आए हो, आपको हमारे अंदर घर की हालत नहीं पता। मैंने इनके साथ पूरी कोशिश करी है एडजस्ट करने की, मगर ये एडजस्ट करने को तैयार नहीं है। ये वही 15 साल पहले जो थी, आज भी वही बनी पड़ी हुई है। सर एक बात, एक बात, मैंने इतना इनको सुधार, मेरा बात सुनो ना यार, उस समय से बोल रहा है साला, कोई मेरा बात नहीं सुन रहा है, चुतिया काम। ठीक है बोलिए, आप बोलिए, तब सुनिएगा मेरा बात। ठीक है बोलिए, आप भी बोलिए। आप जो कर रहे, आप बोल रहे हैं कि दूसरा शादी हम करेंगे, और आपको खुशी खुशी से रहिएगा उसके साथ, मैं इसी उम्मीद से ना कर रहे हैं शादी? बिल्कुल सही बात है ये, मैंने इनसे शादी किए होंगे आप तो यही ना उम्मीद से किए होंगे? बिल्कुल ठीक है, इसी उम्मीद से करा था शादी। हाँ फिर दूसरी शादी आप करने जा रहे हैं तो इसी उम्मीद से ना जा रहे हैं करने? क्यों नहीं करूंगा, जब इधर छुटकारा इसीलिए ले रहा हूँ ना, अपनी बची हुई जिंदगी। फिर यही चीज उनके साथ चले तो क्या कीजिएगा, फिर उनको तलाक दे दीजिएगा? नहीं होगा, मैंने यही ड्रामा करने हैं आपको ना, ऐसा कुछ नहीं होगा उनके साथ, मैं जानता हूँ उनको अच्छी तरीके से। इनको भी तो जानते थे ना, ये भी तो प्यार थी ना आपकी, आप कहाँ हिंदू ये कहाँ मुस्लिम, तब आप लोगों को प्यार हो गया, तब आप दोनों शादी कर लिए। इनके लिए मैंने भी बहुत कुर्बानी दी है, इन्होंने भी दिया है ना, अच्छी खासी इन्होंने भी दिया ना, माँ बाप की दौलत ठुकरा के मैं इनके साथ आया था। ये भी अपने माँ बाप को ठुकरा गया ही आपके पास, आप दे दे भी कहीं ना कहीं दी है। देखो सर इतना उम्र बीत गया सर, कहीं खूब जियोगे ना 40-50 साल और जियोगे आप, अपने बच्चों के लिए जियो आप। कर लोगे तो ज्यादा बेटर रहेगा, कोर्ट कचहरी में ले जाओगे, आपको खुद पता है कितना वहाँ धजिया उड़ाया जाता है कोर्ट के अंदर कचहरी के अंदर किसी की इज्जत। आप थोड़ा इनको भी समझाओ ना, इनमें इनमें भी तो कुछ होनी चाहिए समझने वाली हरकत। आप वकील हो ना, आप वकील हो, कानून की पढ़ाई की हो ना, हम तो जानते, लोग बोलते हैं कि कानून अंधा होता है, साला आज हम देख लिए कि सही में कानून अंधा होता है, सही में आप अंधे हो, आपके आंख पर पट्टी लगा हुआ है और हमको बोल रहे हो आप, लाख गुना आपसे अच्छे हैं हम, कि आपसे बहुत कम उम्र के, इतना समझ है ना हमको गलत क्या है सही क्या है, हम मान रहे कि ये गलत है, ये आपके साथ गलती कर रही है, लेकिन इस गलती पर पर्दा कौन डालेगा, पति ना डालेगा, ये आपके भरोसे ना आई है यहाँ पे, तो आपको समझाना ना चाहिए, तो डायरेक्ट आप बोले डिवोर्स देने के लिए, ये बोले तलाक इनको दे, तो कभी बोली नहीं है कि हमको तलाक चाहिए। हाँ तलाक लेने का रीजन है कि किसी और से प्यार हो गया आपको, पत्नी का फर्ज बनता है पूछने के लिए, अधिकार से पूछेगी पत्नी, उनको डाउट हुआ होगा तभी आपसे, तबे पूछी होंगी, अब टाइम नहीं देते होंगे इनको, बच्चे को इनको, कोई भी पत्नी पूछेगी, कोई भी कोई भी बताइए, आप एक घंटे चली जाइएगा ना, जो बचा टाइम है आप उनमें दीजिए ना, क्या क्यों नहीं देते हैं, नहीं दीजिएगा तो कोई पूछे। आप ही बताइए सर, इधर एक बात बताइए सर, आप बचपन में जब स्कूल जाते होंगे तब एक घंटा लेट से घर पे पहुंचते होंगे, तो आपकी माँ क्या पूछती होगी, बेटा कहाँ लेट हो गया, ये तो आपकी पति ना है, इनको अधिकार नहीं है पूछने का, जितना आपको इन पे अधिकार है ना, उनको भी आप पे उतना ही अधिकार है, ते बात समझिए आप। मैं थक गया हूं, जिम्मेवारी से भाग नहीं सकते हो सर आप, थकने की लिमिट भी पूरी हो चुकी है, 15 साल हो गए इनको रोज समझा समझा के, मैं थक गया, मेरी एक ही चीज करेंगे हम, देखो कैमरा लगाए हैं, हर चीज रिकॉर्ड कर रहे हैं, ले जाके थाना में दे देंगे, थाना जब बजाएगा ना आपका
तो आपको मजा आ जाएगा। सब जो ड्रामा खेल रहे हो सब खेलते रह जाओगे, बात से समझ में तो आ नहीं रहा है। कैमरा वैमरा तो मुझे मत दिखाओ, मैं डर नहीं है। वकीलों तक धमकी मत दो कानून का, हमको भी मत दो, आप जो करना कर लेना। आप डरने वाले में से नहीं है हम लोग, यही थे सर, इसीलिए मुझे यहाँ पर बुलाया था, मुझे जलील करने के लिए, इन लोगों के साथ मिलकर मेरी बेइज्जती करने के लिए। एक ईंट से ईंट बजा के रखूंगा, लॉयर हूं मैं, एक से एक लेके ये जो तो तेरे तक देख लूंगा थाना पुलिस। जाओ ना, जो सुनो ना, हेलो बताता हूं मैं, ठीक है। कोर्ट कचहरी का धमकी सुन लो, इधर सुन लो, कोर्ट कचहरी का धमकी दे रहे हो, देख लेना। डरने वाले में से नहीं हम लोग, मैं तुम सबको देख लूंगा, एक एक सब रिकॉर्ड अभी केस करेंगे, केस रिकॉर्डिंग कर लो, हाँ देख लेना। जाओ जाओ जाओ, देख लेना देख लेना। जाओ ना, आपको तभी हम लोग देखेंगे। मैं माँ भी कहीं ना कहीं गलत हूँ, हर बात हर अपने अपने हस्बैंड पर हर बार शक नहीं किया जाता है, तो हर बात पे आप उन पे शक करते हो, तो आप पक गए हो आपसे, इसलिए उतना वो गुस्सा रहे हैं। बात तो कर ही रहे थे ना, लेकिन आप उनको इतना ना पका दियो अपने बातों में उलझा के, जाके बात करो घर पे उनसे। देखो कानून के आगे तो हर कोई सर झुकाता है, सबसे बड़ा कानून ही है, उसके आगे कोई कुछ नहीं है। गांव जैसे हमारे बिहार में, हम बिहार के, उसके दायरा में ही रहकर पहले बात करो। आप लोग सलट लो घर में, अगर सलट जाता है तो ज़्यादा बेटर रहेगा, नहीं सलटेगा उसके बाद फिर देखेंगे। जैसे हम बिहार के हैं तो हमारे बिहार में पति को परमेश्वर का दर्जा दिया जाता है, तो पति को भगवान का रूप दिया जाता है, पति को पूजिए ना आप, कहाँ पूजते हो आप, एक दो गलती करते हो उसको इग्नोर कीजिए, कहाँ झगड़ा नहीं होता आप बताइए, भाई भाई में झगड़ा नहीं होता है, बेटा बाप में झगड़ा होता है, माँ बाप में झगड़ा, हर कोई में झगड़ा होता है, पति पत्नी में झगड़ा होता है। अब उससे क्या, तो तलाक दे रहे भी, अरे यार हर बात में शक नहीं किया जाता है, उनको समझाइए थोड़ा ठंडे दिमाग से। बाकी रोइए मत बिल्कुल आप, एक बार हम और चलिए आपके घर पे रूम से, उनको कोशिश करेंगे बात करने के लिए, अभी दिमाग में उनका बहुत ज़्यादा नहीं होता, कचरा भर चुका है, जिसको निकालना पड़ेगा तभी कुछ होगा, रोने से कुछ होगा नहीं। मैम हम उनसे बात करेंगे एक बार, समस्या का समाधान बातचीत से ही होता है, वो तो ज़्यादा बेटर रहता है, लड़ाई झगड़ा से तो होता नहीं है कोर्ट कचहरी से। चलिए आप रोइए मत, यहाँ लेप्स हो जाएगा।